अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैदाब गार्डन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो के में टॉपिक इसी मैरीगोल्ड फ्लावर पे है। अभी देखिए जैसे मार्च महीना चल रहा है, अभी भी हम मैरीगोल्ड लगा सकते हैं अभी दोस्तों, लेकिन ज़्यादा धूप होने लगा है। धूप में गर्माइश ज़्यादा आ गई है सनलाइट में, तो आप सुबह की सन दीजिए इसको, 12-1 बजे के अंदर अंदर सनलाइट दीजिए। सेकंड टाइम में सनलाइट हैगिज ना दें वरना ख़राब होएगा प्लांट, जल्दी ख़राब हो जाएगा। सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है, तो ढेर सारा पौधा बना सकते हैं अभी भी आप। एक महीना में ये फ्लावर पे आ जाता है। ये देखिए अभी भी मैं लगा रहा हूँ। पानी का दोस्तों ये है कि पानी का आप खास ख्याल रखें, जैसे पानी सूखने लगे आपको पानी डाल देना है, कि धूप जैसे ज़्यादा गर्मी हो गई है धूप में, तो ज़्यादा देर तक पानी कमी होगा तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। जो फ्लावर सूख जाए उसको आप कट करके हटा दीजिए। पॉटिंग मिक्स का आपको बताऊं तो 20% आपको खाद लेना है, चाहे आप गोबर खाद यूज़ करते हैं या पत्तों की खाद यूज़ करते हैं, कोई से भी खाद यूज़ करते हैं आप, 20% मैरीगोल्ड के लिए बेस्ट होता है। ये मिला कर आप आसानी से लगाएं। घर में बहुत सारे पौधे खुद से बना लीजिए। मेरे गार्डन में दोस्तों हर तरफ मैरीगोल्ड निकले हुए हैं, अभी भी निकल रहे हैं, फ्लावर भी आ गए हैं, कुछ सूख भी गए हैं। जाफरी वैरायटी इस बार मैं बहुत सारा लाया था नर्सरी से। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।